हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टपरी टॉक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आज टपरी पे नहीं, चाय की दुकान पे नहीं, आज हम लोग आए हैं टी शॉप में, क्योंकि आप जानते हैं पिछली बार मेरी एक फ्रेंड बनी थी जिन्होंने मेरे को दो बड़ी कमाल की चीज़ें सिखाई, जिसमें से दूसरी है कैपुचिनो पीना और पहली है कि इनसे दूर रहना दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछली बार ही बताया था कि जब इसे बिस्किट डुबाना होगा तो चाय का ही इंतजार रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट भाई दोस्तों, इंडिया में G20 हो रहा है, पूरी इंडिया में, दिल्ली में सबकी छुट्टी है, पर हमें कह दिया कि तुम आओगे, तुम्हारे ये बस की नहीं है, तुम्हारे चेहरे जितने ना दिहाड़ी पे काम करते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती, ऐसी बात करी, बड़े दिल पे लगी। हमें भी ऑफिस आना है फिर G20 के टाइम पे, वहाँ अलग G20 चलेगा, यहाँ पे हमारा T20 चलेगा। यस भाई, और T20 से मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ, बट जो याद आ रहा है वो ये है कि भाई कुछ भी थर्ड टाइम लकी होना जो कहते हैं वो सच बात है। चंद्रयान 3 हुआ, बहुत बेहतरीन, फुकरे 3 आ गए, बहुत ही बेहतरीन। तो भाई या तो हो 3 या तो कुछ हो फ्री, तो ही मजा आता है मेरे ख्याल से। तो क्या हाल है आपकी? मतलब सही बात है, चंद्रयान देखो तीसरी बार में सक्सेसफुल हुआ और फुकरे 3 का ट्रेलर इतना शानदार करके, इसी बात पे मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। क्या दे, क्या दे? देखिए देखो अर्थ क्या है, अगर तुम चांद हो तो मैं भी चंद्रयान हूँ, अगर तुम चांद हो तो मैं भी चंद्रयान हूँ, किसी ना किसी अटेम्प्ट में तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। मंजोत सिंह और ऋचा चड्ढा साथ में, जो कि अली फजल इस बार ऐसा लगता है कि मिसिंग है, लेकिन ये सारी आपको प्रोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी फुकरे की। उसके अलावा फुकरे 3 को भी डायरेक्ट किया है मृगदीप सिंह लांबा ने और लिखा है विपुल विग ने, जिन्होंने पिछली दो फुकरे भी लिखे और काफी शानदार लिखे। तो ये हो गई पिक्चर की पढ़ाई लिखाई, मतलब समझ रहे हैं आपको कि ABCD ऐसा है, लेकिन अगर हम जंबल वर्ड्स में अगर आप समझे तो जितना फुकरे 1 फुकरे 2 में मजा आया था, ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि भाई मजा वही है भाई, जहां पर डेजा चू होता था यहां पर अब मूत को बारूद बना दिया गया, ऐसी बात चल रही है। ये सारी चीज मतलब चूचा कहीं भी मूत रहा है तो उसका एम माचिस डाल दो, आग लग जाएगी। हाँ भाई, और यहाँ पर जैसे कि इलेक्शंस भी देखे जा रहे हैं, वहाँ पर भोली पंजाब में भोली नहीं रही, वो बहुत ज्यादा दगरदली थी, वैसे ही रहेंगी वो, और वो इलेक्शन लड़ रही है, उनके ऑपोजिट इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं हमारे वरुण शर्मा। इस मेरे एक क्वेश्चन है इस पूरे देख रहे कि इनके बंदे का नाम चूचा है और मूतने पे उसकी आग निकल रही है, तो भाई उसके इलेक्शन का सिंबल कौन सा बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट आपको, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, एक बंदा जिसका नाम चूचा है उसके इलेक्शन का सिंबल क्या हो सकता है? जहाँ तक आपकी सोच जाती है वहाँ तक बताते हैं, जहाँ जा रही है वो मत बताना। तो मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका चुनाव का सिंबल, चुनाव चिन्ह क्या हो सकता है, और कमेंट सेक्शन में बताएं जो सबसे बड़े चुनाव चिन्ह लगेगा वो हम मेंशन करेंगे अगले एपिसोड में। और यहाँ की अगले एपिसोड की आपको बात बता दें, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बड़ी फिल्म आ रही है जवान, हम दो जवान सुबह सुबह उठ के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहे हैं, और जवान का आ रहा है हमारा स्पेशल एपिसोड टपरी टॉक्स का।